आप सुन रहे हैं स्वर कोकिला लता मंगेशकर से की गई अशोक हमराही की बातचीत। दीदी हमने कभी सुना था कि ताजमहल फिल्म का गाना पांव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी, तो वो गाना जब आपने गाया था तो आपकी कुछ तबीयत गड़बड़ थी? गया, बहुत जुकाम था, तो गाते वक्त एक आध जगह पता चलता है कि है जुकाम, पर वो गाना बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था जी, बहुत सुंदर गाना था, उसके सब गाने अच्छे थे, पर उसका गाना चला जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, वो गाना ज्यादा चला। हाँ, वो बहुत पाँव छू लेने दो बहुत ही सुंदर गाना, बहुत ही सुंदर गाना। रोशन लाल जी सीखे हुए थे जी। वो बहुत अच्छे दिलरुबा बजाते थे। अच्छा। और शास्त्रीय संगीत के जानकार थे, सीखे हुए थे, तो उनके गानों में हमेशा कुछ क्लासिकल का ये झलक दिखती थी, क्योंकि उन्होंने वो एक पिक्चर थी ना जो केदार शर्मा जी ने बनाई थी, उसके गाने भी आप देखिए, तेरी जाने ना दूंगी, संसार से भाग के, मतलब क्या अच्छे अच्छे गाने उन्होंने बनाए। दीदी हमने कहीं पढ़ा था कि सचिन देवबर्मन साहब ने कहा था कि हमें आपका साथ यानी लता जी हमारे साथ हूँ और हो हमारे साथ तबला, बस फिर हमारा कमाल देखिए। और सचमुच उन्होंने कमाल कर दिया उन सभी गीतों में जिन गीतों में आप उनके साथ रही। वो तो मुझे बेटी कहते थे और बहुत प्यार करते थे जी। घर में मुझे खाने पे बुलाते थे और पान खिलाते थे और क्या क्या, मतलब बहुत ही प्यार करते थे। उनके मैंने काफी गाने गाए और उनका अपना एक स्टाइल था बहुत ही सुंदर। हेमंत कुमार जी के साथ की कोई याद हो? हेमंत दा के साथ जब मैं उनको मिली तब से मुझे तो बहन ही कहते थे, और हेमंत दा के घर जाना मेरा बहुत होता था जी। और वो हमारे यहाँ आते थे जी, बहुत सज्जन, बहुत अच्छे इंसान थे जी। दीदी ये संगीतकार और गायक के रूप में वो अलग अलग आपने किस नजर से देखा? हाँ, गाते थे वो बहुत अच्छा, पहले तो वो गाते ही थे और फिर बाद में उन्होंने म्यूजिक दिया और उनका 20 साल बाद म्यूजिक बहुत अच्छा था। वो एक अलग ही आदमी थे, उनका बात करने के स्टाइल और बहुत अपनापन था। मेरे घर आते थे तो दरवाजे से आवाज आती थी, लौटा कॉफी, मतलब वहाँ से बोलते थे तो हम लोग इमीडिएटली कॉफी बना के लाते थे, दादा के लिए कॉफी लो, सब बैठते थे, मीना उषा सबके साथ अच्छा था उनका, मेरे घर में बहुत भले इंसान। तो दीदी हेमंत दा का वो गाना सुन लेते हैं 20 साल बाद फिल्म का, जिसके लिए उन्होंने 3 महीने तक इंतजार किया। सुना है कि उन दोनों आप बीमार थी और इसलिए उन्हें 3 महीने तक इस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए इंतजार करना पड़ा, और ये गाना है भी बिल्कुल अलग सा गाना है, बहुत अच्छा गाना था। जी जी, महल में जो आपने गाना गाया था खेमचंद प्रकाश जी के संगीत निर्देशन में आएगा आने वाला, कुछ वैसा ही रहस्यमय गीत ये भी है, कहीं दीप जले कहीं दिल, तो आइए सुनते हैं जरूर।